I attempted suicide, so there a lot of reaction happened to my stomach. So infection happened. So Salman doesn't care about that. Salman is not human, not a being human. Salman Khan was a bad boy before 2002-2003. Mm-hmm. In heroin film, you must have seen that how media transform image into from negative to positive. Mm-hmm. So he transformed his image. उसने अपनी इमेज को चेंज किया, अपने आप को बदला. अपने आप को बदला नहीं, वो जैसा है सेडिस वैसा ही है. उसने विवेक ओबरॉय को घर पे बिठाया, उसने बहुत सी एक्टर और एक्ट्रेसेस को घर पे बिठाया जिसने उसके तलवे नहीं काटे जी. एंड ही इंसल्टेड मी ऑन नेशनल टेलीविजन, धमकी दी. मैंने जो भी किया, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ कंटेस्टेंट, मुझे बोला गया था चैनल के साइड से कि आपको बोलना है, आपको गाली दे सकते हैं आप. फर्स्ट ऑफ ऑल दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर आई एंटर द हाउस, एक दिन दो दिन पहले. वो मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. मैं अगर चुप रहता मैं वापस आ जाता था बिग बॉस हाउस में, सलमान खान वापस से पैचअप कर देता. मुझे नहीं करना जहां पर उस घर में धर्म के नाम का मजाक उड़ाया जाता है. साध्वी है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था. वो लोग अर्ची खान शिल्पा शिंदे से डर रहे थे बिकॉज वो लोग बेशरम नंगी लोग थे. तो आप एक कैरेक्टरलेस लोगों के लिए आप सलमान खान स्टैंड लेगा, लेकिन जो बंदा बोल रहा है किसी को डरना नहीं इससे, इसको जूबी बेबी बुला, ब्रदर नाउ यू आर सलमान खान, यू आर वर्किंग फॉर दाऊद इब्राहिम, यू वर्क्ड इन सो मेनी फिल्म व्हिच इज वाज फाइनेंस्ड बाय अंडरवर्ल्ड. भरत शाह किस केस के लिए अंदर गया था, फाइनेंसिंग ऑफ फिल्म, सलमान खान फिल्म. नाजिम रिजवी अंदर गया था, किस लिए गया था. सलमान खान ये छोड़ के बच जाता है और डेफिनेटली उसका जो आउटबर्स्ट था ना, क्योंकि उसने जो बोला कि अरे तुझे बच्चे तू फेम के लिए यहाँ पे आया है. भैया अगर मैं एजाज खान को अननोन पर्सन को लेके फिल्म बनाता हूँ और तो मैं भी कमाल डायरेक्ट कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ. तो मैं भी KRK बन के खुद ही अपने लिए फिल्म बनाता, खुद ही हीरो बनता, डायरेक्टर बनता. तो मुझे बिग बॉस की क्या जरूरत है. आई डोंट लाइक बिग बॉस. मैं सिर्फ इसलिए गया कि मेरे बीवी बच्चे जो है ना उस शो को देखते हैं. 10 महीने से मेरे बीवी बच्चे उस मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है. जो मेरे इन लॉज ने कहा कि पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, भाई मुझे कोर्ट का सामना, मैंने कोर्ट से पूछ के बच्चे पैदा किए थे. नहीं, मैंने कोर्ट से, मैंने बिग बॉस के घर में जाने से पहले भी प्रेस रिलीज हुआ था, उसमें मैंने टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में इंटरव्यू दिया था कि भैया महाराष्ट्र कानून और मोदी गवर्नमेंट ये लॉ लाए कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में नो वन हैज राइट टू, यानी कि मैं बीवी को मिलने से नहीं मना कर सकता, बीवी मुझे बच्चों से मिलने से मना नहीं कर सकती. एंड आप पुलिस के पास जाए तो पुलिस उनको हेल्प करे, पुलिस स्टेशन में बच्चों को लाके मिलाए. बट वो मेरे साथ इंसाफ नहीं मिला, तो आई टुक अ स्टैंड. तो मैंने कंप्लेंट करने के बजाय मैंने एक सोचा कि एक अच्छा इंटेलिजेंट तरीका हो जहाँ पे मैं मेरी वाइफ को फिर से इम्प्रेस कर सकूँ और फिर से मेरे बच्चों को अपनी जिंदगी में ला सकूं. मेरे इन लॉज मेरी शादी के खिलाफ थे, मेरी शादी एक झूठ के बिना पे, मुझे पता नहीं था कि मेरे इन लॉज अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है और क्या है. okay. ये नहीं पता, बट आई एम नॉट रिलेटेड टू हसीना पारकर. आई एम नॉट रिलेटेड, बट दे आर रिलेटेड. मेरे इन लॉज रिलेटेड है, मैं नहीं रिलेटेड हूँ. मेरा क्या लेना देना, मैंने तो नाम भी नहीं लिया उन लोगों का. हाँ, अगर लोग कॉन्ट्रोवर्सी यूज करते व्हेन माय फिल्म वाज रिलीजिंग, तो मैं चाहता तो मैं क्या बोलते, फिल्म रिलीज के टाइम पे फिर से दाऊद इब्राहिम की कंट्रोवर्सी, एक आर्टिकल नहीं छपाया उसके बारे में. मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई, मैं कम से कम ऑडियंस जमा करने के लिए दाऊद इब्राहिम का नाम लेता. लेकिन कलर चैनल ने क्या किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल के बिना के ऊपर मुझे नहीं बताया इन लोगों ने. मैं जब यहाँ से मुंबई से लोनावला के लिए निकल गया आइसोलेशन में, लॉकडाउन में, जहाँ पर ये लोग समझाते हैं सारे कंटेस्टेंट को, अब कोई कंटेस्टेंट आके बोलेगा नहीं क्योंकि उनको फेम पैसा मिल रहा है और 2 साल तक के पैसा मिलेगा, तो कोई रियलिटी बताता नहीं है. भले गलत हो रहा होगा, लोग पैसे के लिए ईमान बेच सकते, मैं नहीं बेचता. मैं देशद्रोही अगर कोई है, अगर कोई किसी धर्म का, मैं मुस्लिम हूँ, अगर मेरे सामने किसी साध्वी का अपमान होगा, अगर मैं उनके लिए स्टैंड नहीं लूंगा, तो मुझ पर लानत है. आई टुक अ स्टैंड. मैं चाहता हूँ कि पुलिस और कोर्ट, जितने भी जब से शुरू हुआ बिग बॉस और जब तक मैं अंदर था, 24 घंटे की 150 कैमरा की फुटेज चेक करे. कहाँ पर जुबैर खान ने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया, कहाँ पर जुबैर ने हसीना पारकर का नाम लिया, चैनल ने किस बिना के ऊपर ये प्रोमो चलाया. तो गेनर पब्लिसिटी ना, आप मेरा घर जला के अपने घर में खाना पका रहे हो.
दैट इज मॉरली रॉन्ग. और अगर अगर अंदर गे कम्युनिटी के बारे में गलत बोला जाता है, जिसपे सलमान खान ने बहुत कुछ बोला, तो वो चीज तो कोई बता नहीं रहा है. वो सारी चीज सलमान ने, मेरा जो आया कि तू क्या नल्ला डॉन, तो भाई आई वेंट देयर. भाई मुझे डॉन बनना होता तो मैं डोंगरी में रहता, मैं फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आता, मैं कि जर्नलिस्ट क्यों बनता, अंडर कवर रिपोर्टिंग क्यों करता, मुझे क्यों लोग चाहे आज तक वाले हो, चाहे जी वाले हो या इंडिया टीवी, मुझे कोई भी चीज उस एरिया से या अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड होती है लोग कंफर्म करने क्यों पूछते हैं, क्योंकि आई बिलोंग टू दैट एरिया. मेरे आज भी वहाँ दोस्त है, मैं उनको कॉल करूंगा तो वो लोग मुझे रियलिटी बताएंगे. तो ये जी, तो बेसिकली सलमान ने बहुत चिल्लाया भी था आपके ऊपर, वो हाँ जी उसके बारे में कुछ बताइए कि एग्जैक्टली क्या. जरूर से ज्यादा था, जरूर से ज्यादा था, बिकॉज उसको ऊपर से दाऊद का प्रेशर था, उसकी दाऊद से फटती होगी, मेरी नहीं फटती. मैं तो इतना ओपनली कैमरा पे बोल रहा हूँ, गद्दारों देश का जो गद्दार होगा ना, मैं उसके खिलाफ खड़ा था, आज भी, कल भी और खड़ा ही रहूंगा इंशाल्लाह. हमने एक आपका इंटरव्यू भी देखा जो कल रात में हुआ था, जिसमें आपने बोला था कि सलमान ने किस तरह से अपनी इमेज चेंज की है बेसिकली. वो ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ सैडिस्ट. आप यार, विवेक ओबरॉय इज अ माय बेस्ट फ्रेंड. कोई इंसान गलती करता है, धोखा नहीं दिया उसने, गलती कर दी जी. आपको 15 साल से माफी मांग रहा है, हर अवार्ड शो में हाथ जोड़ता है, माफ कर दो, तेरे में इतना एटीट्यूड, तू भगवान बन गया इंडस्ट्री का. लोग इंडस्ट्री में क्यों उससे डरते हैं पता है? क्यों? क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम का क्लोज है, सबको पता है वो दाऊद इब्राहिम का क्लोज है, तो इसीलिए लोग इंडस्ट्री में उससे डरते हैं. मैं नहीं डरता, मैं दाऊद से नहीं डरता, मैं किसी भाई लोग से नहीं डरता, देश के किसी आतंकवाद. मैं जब जाकिर नायक के खिलाफ आवाज उठा सकता हूँ, जिसके दुनिया भर में फॉलोअर्स है, तो ये कौन है? ये एक एक्टर है, उसने मुझे नल्ला डॉन कहा. मैं वहां पर एक बाप की हैसियत से गया था, एंड उसने जिस तरीके से हरकत की, अंदर गे कम्युनिटी के ऊपर बहुत कुछ बोला गया. मैं चाहता हूँ पुलिस जाके इन्वेस्टिगेट करे, पूरी फुटेज चेक करे, कोर्ट की मौजूदगी में सारी फुटेज चेक करे. अगर कुछ डिलीट हुआ तो समझा तुमने कट लिया, और तुमने मेरी इमेज गाली वाली बताया. आपने तो मुझे बोला था गाली देनी है, चैनल ने मुझे बोला था, जुबेर यू कैन अब्यूज, आप इंग्लिश में करो, हिंदी में अब्यूज करो, बट आप बोलते हैं जस्टिफाई करना है. अब एक बात बताओ, मैंने गाली दी, उसका रीजन आप चैनल पे नहीं दिखा रहे हो, ठीक है? किस लिए गाली दी? अर्शी खान ने खाने में थूका, चपाती पे थूका, वो तो उस बारे में तो उन लोगों ने कुछ दिखाया नहीं, थूकना वाला जी वो पोर्शन नहीं दिखाया. यहाँ पर एक साध्वी का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने एक साध्वी जिनका मैं वहां पर पैर छू रहा था पिछले 7 दिनों से, माँ बना, तो भाई अगर मेरे सामने मेरी माँ का कोई अपमान करेगा तो मैं तो उसका मुंह फोड़ूंगा ही. मेरी माँ को, एक साध्वी को, I don't want to repeat those words, the kind of words she used for Hina Khan. ओके, उसने ये बहुत सारी चीज बताई. तो एक लड़की का सलमान खान साथ दे रहा है, और वहां पर सारे घर वाले दोगले हैं, सब पैसे और फेम के लिए है, जिनका करियर डूब चुका है, जिनको कोई काम नहीं देता. मेरा एक सोली रीजन ये था कि मैं मेरे बीवी बच्चों, कम से कम मुझे 10 महीने से मेरी बीवी बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मेरी कंप्लेन नहीं ली जा रही है. उरन करके एक जगह है मुंबई से 70 किलोमीटर दूर, वहां पर छुपा के रखा हुआ है. तो वो मुझे नहीं देखा, देने दिया जा रहा. तो मैंने एक, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और एक थोड़ा सा क्राइम बीट किया हुआ, अंडर कवर रिपोर्टिंग किया हूँ, तो एक थोड़ा मुझे कर्क्स पता है, पर्क्स पता है कि किस तरीके से करना है. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कलर्स वालों ने कॉल किया, बिग बॉस वालों ने, कि सर हमने आपका देखा कि आप स्टैंड लेते हो, लॉन्ग बाद आप स्टैंड लेते हो गलत के खिलाफ, तो आप एक वीडियो बना के भेजो. मैंने उस वीडियो में क्या कहा है कि दुनिया मुझे दाऊद के दामाद के नाम से जानती है, बाबा खान के भतीजे के नाम से जानती है, हसीना आपा के दामाद के नाम से जानती है, असली जुबैर खान क्या है, मैं वो दिखाने के लिए बिग बॉस में आ रहा हूँ कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है. ओके, बट दे यूज दैट थिंग. मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है, मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि भैया मैंने जाकिर नायक के खिलाफ भी बोला है, और मैंने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भी बोला है जी. तो भैया वो वीडियो में है, उसका तो मेरे पास है जो चैनल में गया हुआ है. ओके, तो ऑन दैट बेसिस उन लोगों ने मेरा शूट किया, जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू दैट एरिया, मेरा आर्टिकल छप चुके हैं रिलेटेड टू दाऊद इब्राहिम. आई नेवर यूज दैट वर्ड. आप बताइए कहीं पे भी पिछले 6-7 साल में जब से आर्टिकल छपा है, मेरे अगेंस्ट कहीं किसी ने ये कंप्लेन की हो कि जुबैर खान ने हमको दाऊद के नाम से थ्रेट दी है या हसीना पार करके. अब ये समीर अंतुले क्या है, उसके ऊपर अभी पुलिस का प्रेशर आ रहा है, अब उसको चाहिए पब्लिसिटी,
उसको वो आ रहा है कि वो जो भी FIR कर रहा है या जो भी कर रहा है, FIR किस बेस पे करेगा, प्रूफ होना चाहिए ना सर। तो मैंने कहीं पे भी लिखित में ये नहीं दिया है, मैंने ऑन वीडियो नहीं बोला है कि मैं हसीना पारकर का दावा दूं, सही बात है, मैंने तो कहीं लिखित में नहीं दिया, मैंने तो ये बोला कि भाई मैं तो इनके खिलाफ बात करता हूँ, आज भी करता हूँ आगे भी करता रहूंगा। तो मैं सलमान से नहीं डरता, मेरा अल्लाह एक है, मैं मेरी माँ की दुआओं से और सरकारों के कर्म से चल रहा हूँ। तो मेरे को, मैं विवेक ओबरॉय नहीं हूँ कि फंस के बैठ जाऊंगा तेरे आगे हाथ जोड़ूंगा। तूने अगर, तूने मुझे कुत्ता बनाने का बोला है ना, तो मैं तो उसको ओपन, आई वॉन्ट दिस यू टू राइट दिस, कि तू ओपनली लिखो उसमें कि जुबैर खान तुझे चैलेंज कर रहा है कि भैया तुझे कहाँ कुत्ता बनाना है आके बता। आई बात समझ में? कितने सलमान खान के खिलाफ आवाज उठाई है बताओ इंडस्ट्री में आज तक, वो आवाज दबा दी गई। मैं ये चाहता हूँ वर्ड टू वर्ड वट एवर आई एम सेइंग इट, सलमान खान 11 करोड़ रुपया फिल्म का ले रहा है, सॉरी 1 एपिसोड का ले रहा है, हम तो नहीं ले रहे ना। तू अपनी इमेज बता दो, अगर ऐसे गंदे लोग इस घर में रहेंगे तो मैं ये शो नहीं करूंगा, कलर्स को बोल रहा है और ऑडियंस को बोल रहा है। अरे भाई तू 6 साल 7 साल से शो कर रहा है, तेरे को नहीं मालूम गालियां दी जाती इस घर में? ये शो का फॉर्मेट ही गाली है, बगैर गाली के कोई आदमी एंटरटेन नहीं होता। ये शो का फॉर्मेट तेरे को पता नहीं है? तूने लास्ट ईयर ये ओम स्वामी ने सुसु फेंका औरतों के ऊपर, तो तू अपसेट था, तू नहीं करना चाह रहा था, देखो चैनल ने डबल पैसे दिए, 11 करोड़ दिए, तो तू पैसों के लिए कुछ भी कर रहा है। तो ऑडियंस को बताता अगर ऐसे लोग रहेंगे, तू नल्ला डॉन है, तू डोंगरी का नाम खराब कर रहा है। अरे मैंने डोंगरी का नाम खराब नहीं किया, आप 24 घंटे की फुटेज उठा के देखो, मैंने सबको एथिक्स की बात की, हम गाली नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एंटरटेन करेंगे, मस्ती करेंगे। मेरे जितने भी मजाक मस्ती वाले वीडियो है ना, वो सारे मजाक मस्ती वाले वीडियो वो वायरल, वो लोग वो वूट पर चला रहे हैं, वूट पर चला रहे हैं, और नेगेटिव पार्ट जो है ना वो, यानी कमा दोनों तरफ से रहे हैं। मैं एलिमिनेट नहीं हुआ हूँ, मैं छोड़ के आया हूँ घर, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया इसीलिए ताकि मुझे घर से निकलने मिले। मैंने 25 गोलियां खाई, क्योंकि अगर मैं नहीं खाता तो इतना पैक्ट होता है और इतना मेंटल टॉर्चर होता है भाई, मैं वहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं गया। सलमान खान लोगों के लिए भगवान होगा, दाऊद इब्राहिम सलमान खान के लिए भगवान होगा, मेरा भगवान नहीं है भाई। मैं देश का वफादार नागरिक हूँ, मैं किसी से डरूंगा नहीं, किसी से दबूंगा नहीं। तो ये अभी आपने कंप्लेन भी फाइल करी है ना वडाला पुलिस स्टेशन में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी कंप्लेन फाइल की है, और लोनावला में जहाँ मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया जी? इन लोग ने इतनी मिस्टेक की है, मुझे अंदर भेजने से पहले इन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट दे देते ना जाने से पहले कि दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया विदाउट गिविंग अ कॉन्ट्रैक्ट। हाउ कुड यू सेंड अ पर्सन इनसाइड द बिग बॉस हाउस, वन लीगल, ओके। सेकेंड थिंग सलमान खान अब्यूजिंग मी ऑन नेशनल टेलीविजन। अच्छा मुझे तो कलर्स वालों ने समझाया जी, बोला तो कलर्स वालों ने बोला कि भाई आपको जो करना है करो, आपको गाली देनी है दो। मेरा ये था कि मुझे बोला गया था कि तुम्हारा इमोशनल एंगल चलाएंगे, आप समझ रहे हो, इन लोगों ने मुझे मिसयूज किया है। मुझे बोला गया था कि हम ये बिग बॉस में एक नया ट्विस्ट लाना चाह रहे हैं आपके साथ, कि आपके बच्चे नहीं आए हुए, आप एक लीगल बैटल अच्छे तरीके, तो आई एम फाइटिंग दिस लीगल बैटल। आई सेड कि मुझे एक ह्यूमन टच देना है, एक शो के थ्रू मैसेज देना है कि भाई मैं जो है ना फैमिली के लिए, करियर भी लोग करियर के लिए फैमिली छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे छोड़ देते हैं जी। मैंने तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा, जबकि प्रोडक्शन और अच्छा खासा चल रहा है, मेरी फिल्म रेडी है सेंसर के लिए, मैंने वो छोड़ के, करियर छोड़ के फैमिली के लिए गया, तो मेरा वो चीज नहीं दिखा रहे ये लोग, नेगेटिविटी दिखा रहे आप लोग। ओके, तो दैट मींस आप किसी का घर जला के अपनी रोटी सेक रहे हो। और सलमान खान जो जिस तरीके से ब्लास्ट किया है, वो क्लियरली उसके फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहा है कि उसकी दाऊद इब्राहिम से फटती है, इसीलिए इतना ब्लास्ट किया उसने। उसको दाऊद भाई का फोन आया होगा, मैं किसी भाई वाई से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरने वाला बंदा हूँ, मैं मेरी माँ की इज्जत करता हूँ, और जो मेरे अल्लाह के वली है ना, मैं उनसे डरता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं डरता, मैं इज्जत करता हूँ। और एक एक बात जी, इतना जी। मैंने जो सलमान को रिटेलिएट किया ना, उसने जो बोला, मैंने हाँ मेरी गलती है, ये शो का फॉर्मेट है जी, मैंने जो उसका जवाब दिया ना, वो उन्होंने नहीं एयर किया, क्यों नहीं एयर किया भाई? मैंने बोला भाई आप एक बात बताओ, अगर आपके साथ, मैं नमाज पढ़ रहा था, वो फुटेज होगी, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अर्शी ने आके राइट कंधे से मुझे ऐसा खींचा है, तो भाई इफ समवन इज प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड समवन इज, यू नो
वो बोलते ना अपनी तरफ खींच रही है, धक्का दे रही है, इज दैट राइट? व्हाई डिडंट यू शो दैट? व्हाई डिडंट यू शो दैट? सो दिस इज ऑल थिंग आई टोल्ड टू सलमान खान. ये सारी चीज मैंने बोली तो सलमान खान तो दाऊद भाई से फटी हुई थी, उसके पैर कांप रहे थे. और कल का एपिसोड अगर आपने देखा होगा, जब मेरा दिखाया गया, मैंने गोलियां खाई और मुझे कन्फेशन रूम में लेके गया, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि भैया मुझे सलमान से मिलाओ. मैंने सलमान को बाहर निकल के खूब गालियां दी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा ये, मैंने सलमान को खूब गाली दी. एक बाप का औलाद है तो आज उबेर को कुत्ता बना. तो तू 20-25 बॉडीगार्ड के पीछे छुप गया. तू मेरे को बोलता है मैं डोंगरी का नाम खराब. मैंने क्या खराब किया नाम? अगर कोई कुरान की बेहुरमती यानी बेइज्जती कर रहा है, कोई किसी गे को ये बुला रहा है, अबे वो उसकी पर्सनल चॉइस है, इस गे राइट, आप भी उसको गुड़ मिट्टा बुला रहे हो. वो इन लोगों ने टेलीकास्ट नहीं किया, उसके लिए मैंने फाइट की. मैंने उस लड़की को बोला कि तेरा मुंह तोड़ दूंगा, इसलिए कि भाई तू खाने में थूक रही है और तू यानी रिलीजन के ऊपर जा रही है. और मैंने बिग बॉस को भी ये चीज बोली ऑन कैमरा कि सर अगर ये कुरान की बेहुरमती होगी, उसने वर्ड यूज करी, यू कैन यूज इट. कुल औज़ु बिरब्बिन नास, नऊज़ुबिल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तेरा हो सत्यानाश, नाश नाश नाश, ऐसा उस बंदी ने बोला. तो वो चीज सलमान खान को जस्टिफाइड है, कलर्स को जस्टिफाइड है. मैं कहां से सहन करूंगा भाई? आप एक हिंदू लड़की हो, अगर आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते तो यू हैव फुल राइट टू अपोज देम. तो सलमान खान मेरा बाप थोड़ी है, उसके पैसे से पाल पोस के थोड़ी मैं बड़ा हुआ. और मेरा ये डायलॉग लिख लो कि बड़े को मार के ही आदमी बड़ा बनता है. अब सलमान खान का जितना उरूज था ना, दुनिया ने देखी. अब सलमान खान का डाउनफॉल इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि सलमान खान के पास है ना खोने के लिए बहुत कुछ है. जुबैर खान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. ना मेरे पास बीवी है, ना बच्चे. मेरी एक बूढ़ी माँ है, ठीक है, बूढ़ी माँ है, शी 75+. तो मैं अगर मर भी जाता तो आई हैव नथिंग टू लूज. बट मरने से पहले कांड तो करके जाऊंगा कम से कम. कम से कम आई एम टेकिंग दैट, आई एम नॉट गेनिंग दिस चीप पब्लिसिटी. आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ चीप पब्लिसिटी. मैं अगर स्टैंड ले रहा हूँ तो सच्चाई के खिलाफ ले रहा हूँ, चाहे वो सलमान खान हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो. अगर कोई गलत करेगा, गलत कर रहा है. सो दैट इज माई फाइट एंड आई वॉन्ट जस्टिस. आई हैव फुल बिलीव इन मीडिया, सोशल मीडिया, आई हैव फुल बिलीव इन जुडिशियल सिस्टम. यहाँ पर मुझे इंसाफ मिलेगा. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से, सलमान खान ने अपनी इमेज ट्रांसफॉर्म की है, ये सबको पता है. पहले बैड बात है, उसने कितने रिपोर्टर्स को मारा, जुबैर खान ने कितने को मारा है बताओ. इंडस्ट्री में आके कोई फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल के रिकॉर्ड में बताए कि जुबैर खान ने किसी को मारा हो, तो मैं ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूँ. मैं तो अप्रोच नहीं किया था ना कलर्स वालों को, कलर्स वालों ने मुझे अप्रोच किया. दे वॉन्टेड अ कॉन्ट्रोवर्शियल पीपल, उनको चाहिए था का एक डोंगरी का बंदा आए और आके वो अपना कैरेक्टर दिखा के जाए. बट मेरे पास एथिक्स है. मैं एजाज खान नहीं हूँ कि सुबह शाम एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई ये भाई. मैं वैसा बंदा हूँ ही नहीं. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर पब्लिसिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वॉन्ट जस्टिस एंड आई वॉन्ट द रियल फेस. बोलते ना, शो द रियल फेस ऑफ सलमान खान टू ऑल द पीपल. सलमान खान इज अ सैडिस्ट, सलमान खान इज सैडिस्ट. ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है और मैं बहुत फखर से बोलता हूँ. आई हैव गट टू से दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सलमान खान इज सैडिस्ट. लोग उससे डरते होंगे, मैं नहीं डरता. नेशनल टेलीविजन पे जो बंदा धमकी दे सकता है, सोचो वो क्या कर रहा है. मैं तो एज अ कंटेस्टेंट अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, ए मेरे साथ, ए मेरे को छेड़ना नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं चढ़ना, दैट मीन स्टे अवे फ्रॉम मी. आई नेवर सेड दैट तेरे को कुत्ता बनाऊंगा. इफ समवन इज मिसबिहेविंग समवन, तो मैंने उसको बोला कि भैया आप मिसबिहेव मत करिए. सलमान खान को और चैनल वालों को लग रहा था कि ही इज डोमिनेटिंग द एंटायर हाउस. मैंने कल फ्राइडे का एपिसोड देखा है, उसमें प्रीतम, मलिष्का एंड अंजना ओम कश्यप, ये सवाल जवाब उनका चल रहा है. तो उसमें ये बोला गया कि भाई टॉप 5 कंटेंडर कौन है इस घर में. तो सबका ये था यूनानिमस डिसीजन, जुबैर खान इज द टॉप 5 में आता है जाने में. तो आप वो फ्राइडे एपिसोड जरूर देखिएगा, उसमें तो ये क्लियरली बताया गया है कि जुबैर खान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर एंड टॉप 5. तो भाई तू क्यों जुबैर को डरा के रखना चाह रहा था? क्यों? तेरी दाऊद इब्राहिम से फटती है, मेरी नहीं फटती भाई. तुम डरो, तुमने उनका खाया, हमने नहीं खाया. हम देश का नमक खाते हैं, हम देश के गद्दारों के थोड़ी जुड़ेंगे. ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे. देश के गद्दारों से हमारा लेना देना क्या? और सलमान खान की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का फाइनेंस हुआ है. जुबैर खान की फिल्म में अगर कोई बोल दे 1 रुपया, जबकि मुझे ऑफर आया था अंडरवर्ल्ड का कि भाई पैसा लो, मैंने बोला सॉरी सर, मैं यहाँ पर छोटा सा गुलाम बन, बोलते ना
प्यून बन के रहूंगा लेकिन आपका गुलाम नहीं बनूंगा. तो दैट इज माई टेक, दैट इज माई. ऐसा नहीं है कि मुझे कभी ऑफर नहीं आया अंडरवर्ल्ड से, भाई पैसे लो जो भी करना है. मैं मुझे पता है गंदे लोग के साथ जुड़ूंगा, मैं भी गंदा हो जाऊंगा. दैट इज द थिंग. फॉर ऑल द करमा करम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ.